जिंदगी देख रहे हो ऐसी होनी चाहिए। यहाँ पे फ्री की राइड दिए जा रहे हैं। हावड़ा 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 गाड़ी गाड़ी आते लड़े भाई अलग ही मूड में। रूम का चाबी नहीं खुल रहा, गजब खराब व्यवस्था है। और ये भाई ने बिस्तर में सुसु कर तो भाई लोग अभी तुम्हारा भाई उड़ाएगा ड्रोन। और भाई मेरी सुबह सुबह इसको देख के मतलब हार्ट अटैक आ गया था, फिर बाद में पता चला कि ये सीन है। सो व्हाट्स अप यूट्यूब, क्या हाल चाल सबके, आई होप सब लोग बढ़िया हो। और अभी देख लो भाई सुबह के बज रहे हैं 6:06 हो रहे हैं और आज है शायद से 26 तारीख या क्या है पता नहीं एग्जैक्टली, मेरे को डेट याद ही रहता है। सो आज तुम्हारा भाई निकल पड़ा एक और राइड में और अनफॉर्चुनेटली आज हम लोग वापस किसी न किसी बीच के तरफ ही जा रहे हैं। यार रिसेंटली इतना बीच घूम लिया मतलब पक गया वो बीच देख देख कर। और ये क्या है भाई, तुम उल्टी तरफ से क्यों जा रहे हो? खैर एम्बुलेंस है, कुछ नहीं बोल सकते। सो हम लोग को मीटिंग पॉइंट ये दिया गया था, पता नहीं सब लोग कहाँ पे हैं। फ़ोन लगाते हैं। क्या यार सुबह सुबह, जैसे आमतौर में मैं इतना सुबह उठता नहीं हूँ भाई। खुदा रे चल चूटा। हाँ? तो क्यों नहीं? अरे आपने आज सी तो 2 मिनट। हाँ तातरी है। One eternity later. तो भाई लोग ये देख लो, ये हमारे सुरजीत भाई फोटो शूट कर रहे हैं और ये हमारी आज की लाइनअप 390 क्लासिक रिबॉन हिमालयन भाई की डोमिनार और ये NS भी आप देख चुके हो चैनल पे 200 और इसके अलावा एक फोर व्हीलर है अपने पास 4Deco स्पोर्ट्स। सो जितने भी एक्स्ट्रा बैगेजेस हैं वो सब जा रहे हैं फोर व्हीलर में और इवन मेरा जो लैपटॉप का बैग है वो भी मैंने रख दिया कार पे। और भाई लोग ये इंजन स्टार्ट हो चुके हैं, हम भी थोड़ा वार्म कर लेते हैं। ये हिमालयन ड्यूक जा परसों जा। सो ये है ऑर्डर, पहले जाएगा हिमालयन, फिर ड्यूक, फिर पल्सर, फिर मैं, लास्ट में सुरजीत और सेफ्टी कार एकदम लास्ट में। सो अभी गाइस ऑर्डर थोड़ा गड़बड़ा गया है, अभी से परसूस जो है वो थोड़ा पीछे चला गया है। सो अभी हम लोग एंटर कर रहे हैं खड़गपुर हाईवे। अरे भाई साहब ये जैम लगा है क्या? भाई साहब इस हाईवे में इतना जैम कैसे है भाई? वेल गाइस जनरली हाईवे इतना जैम भरा नहीं रहता, आज थोड़ा देख रहे हो कैसा हाल है। और मेरे यहाँ पे एक काटा आ चुका है, फ्यूलिंग भी करवाना पड़ेगा। और भाई ये फुल पोटेंशियल में आज मैं आपको दिखाऊंगा कि रॉयल एनफील्ड क्लासिक रिबॉन की जो टॉप स्पीड है वो कितनी जाती है। चला जा 120 चला जा। सो ऑलमोस्ट 120 चली गई थी। शाबाश बेटा। अरे ব্যাপারটা বুঝাতে চেষ্টা কর ভাই, আর তুই জানিও না কোন তুই প্রথমে রিং হলো ঠিক আছে? ও তো মানে দেখো ডান দিক আমি দেখছি না রাস্তা। কে? সোমু। পেছনে ছিল না? ও পেছনে তো আমি দেখার সময় দেখলাম তুমি চলে গেল। तो भाई लोग अभी एक थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है, पहला तो ये कि मेरा गाड़ी आ चुका है रिजर्व में कि क्या है पता नहीं। ये देखो ट्रिप एप दिखा रहा है पर यहाँ पे 3 बार दिखा रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा कि क्या है क्या सीन है। अब ट्रिप एप जो है वो गलत दिखा रहा है या फिर जो फ्यूल मीटर है वो रीडिंग गलत दे रहा है। सेफ्टी के लिए मैं सोच रहा था कि 500 का डलवा लूँ पर यहाँ पे पेट्रोल ही नहीं था। और एक बुरी चीज़ ये हुई है कि हमारे परसूस भाई गायब हो गए हैं, पता नहीं यार ये ग्रुप राइड में होता रहता है। तो जो हमारे NS 200 वाले जो भाई थे वो मिल नहीं रहे और शायद से आके निकल गए होंगे। एनीवेज सामने उधर एक पेट्रोल पंप दिख रहा है इंडियन ऑयल का, वरना बैक करके इसमें भी जा सकते हैं, बट इतना बुरा हाल नहीं है कि बैक करना पड़े। सो फाइनली गाइस एक पेट्रोल पंप मिला, तो भाई लोग तेल भरवा लिया हमने और अभी हमारा नेक्स्ट स्टॉपेज है बागनान। अनफॉर्चुनेटली सुरजीत का भाई यानी अपना NS 200 वाला भाई अभी तक नहीं मिल रहा। खैर ग्रुप राइड में थोड़ा आगे पीछे हो जाता है, सब लोग आई गेस बागनान में रुकेंगे।
यहाँ पे हमारे सुरजीत भाई को थोड़ा सा पुश करने बोलना पड़ेगा क्योंकि काफी खराब हालत है हाईवे के। स्पीड बढ़ा, स्पीड बढ़ा। फाइनली गाइस, भाई को बोल बोल के ट्रिपल डिजिट में मैंने पुश किया, भाई अभी 110 111 में चला रहा है। ভাই আমাদের, আমার মনে হচ্ছিল আমরা তিনজন এসছি, পিছনে কেউ নেই, দাঁড়িয়েছি অমনি ও টানতে শুরু করে। A few moments later. तो भाई लोग अभी बाइक स्विच हो गई है और अभी सुरजीत चलाएगा अपनी एनफील्ड, अपनी डार्क नाइट, और अभी हम चलाएंगे डोमिनार। रेज भाई कैसे हो? सो भाई लोग, अभी मैं चला रहा हूँ डोमिनार और सुरजीत है हमारे क्लासिक यानी कि अपने डार्क नाइट पे, और अभी हमारा अगला हॉल्ट है कोलाघाट फॉर अ ब्रेकफास्ट। बाय द वे, एक गुड न्यूज़ ये है कि हमारे परसूस भाई हमें मिल गए हैं और अभी हमारे पीछे ही है, दोनों दिख रहे हैं मेरे को अभी, परसूस और सुरजीत। और सुरजीत का क्योंकि नंबर एकदम लास्ट में था तो हमने उसको डार्क नाइट पकड़ा दिया, क्योंकि यार उसमें मेरे को रियर व्यू में कोई पीछे आ रहा है कि नहीं देखने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। बाकी इसमें मैं दोनों को देख पा रहा हूँ, सुरजीत को भी और अपना पीछे परसूस को भी। गाइस फाइनली हम लोग कोलाघाट ब्रिज एंटर कर रहे हैं और ये देखो ब्रिज अभी दिखना शुरू हो गया। क्या खूबसूरत लगती है भाई यहाँ का नज़ारा, और ये देखो भाई फोटोशूट चल रहा है और वो हमारे सुरजीत भाई कोलाघाट ब्रिज में थोड़ा जोश आ गए, और ये हमारे चारों राइडर लोग एक फ्रेम में। सो ब्रेकफास्ट टाइम गाइस, देखते हैं हमारे सुरजीत भाई किधर ले जा रहे हैं हम लोग को। सो गाइस, ये अपना ब्रेकफास्ट का लोकेशन। क्या व्यवस्था है गाड़ी रखने का। तो गाइस बाइक रख दिया हम लोगों ने और अभी चलते हैं खाने के लिए। One eternity later. Let's go. भाई लोग, हो गया ब्रेकफास्ट और एक बार फिर से राइडर स्विच हो चुके हैं और अभी हम लोग चला रहे हैं, मतलब मैं चला रहा हूँ हिमालयन। शिट मैन, बहुत ज़ोरदार विंड ब्लास्ट पड़ रहा है, पूरे हेलमेट में मार रहा है। इससे अच्छा यार ये हटा ही देते विंड वाइज़र, किसी काम का नहीं है ये। थोड़ा स्लो चलाना पड़ेगा सो दैट अपने पीछे वाले फॉलो कर पाए, और वैसे भी आई एम नॉट फीलिंग कंफर्टेबल राइडिंग फास्ट दिस मोटरसाइकिल। इंजन टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस। भाई अपना तो टेम्परेचर 100 के ऊपर चला गया, काफ़ी गर्मी लग रही है गाइस। और ये हमारा दूसरा टॉल हमने क्रॉस कर लिया है, हमारे फेलो राइडर्स अपने पीछे डोमिनार और ड्यूक दिख रहा है, बाकी दोनों नहीं दिख रहे, मतलब वापस सुरजीत और परसूस गायब, इनका अलग ही तालमेल चलता है। ये देखो इस साइड पूरा गांव टाइप का हरा भरा जगह, सीनरी काफ़ी सुंदर है। सफ़र लंबा है और रास्ते ख़राब, वही एक चिंता का विषय है। यहाँ पर मत रुकिए आंटी जी, गो स्लो, एक्सीडेंट प्रोन एरिया। सो गाइस, ये जगह एक्सीडेंट प्रोन है, अगर आपको शौक है एक्सीडेंट देखने का तो यहाँ पे आ सकते हो। कुछ भी, अच्छा खासा हेड मसाज हो गया गाइस, सर पे जो हैमरिंग हुआ है ना, दैट्स नेक्स्ट लेवल। सो गाइस, आई थिंक वी आर एंटरिंग नंद कुमार। ओए चचा, अरे आराम से ले जाओ उसको। एंड वंस अगेन गाइस, अपने दो भाई किधर खो गए पता नहीं, विंड ब्लास्ट धाम धाम करे ये तो मार्चे।
অ্যাকচুয়ালি ওই উইল চেস্ট অফ দি আসবে না, পুরো হেলমেটে থাকবে। সেটাই আমি দেখলাম দাম দাম করে, আমি বুঝতে পারছি না আমার ব্লগিং এ যেটা উঠছে ওটা মানে ঠিকঠাক মানে আসছে কিনা। সবাই বলে যে মাথার উপর দিয়ে বেরিয়ে যায়, পুরো হাওয়াটা হেলমেটে লাগে। সব ঠিক আছে, জোরে হাওয়া দিলে পুরো চাকা সুদ্ধ সরে যাচ্ছে গোটা গাড়ি। এই যে 80-90 চালাচ্ছি দেখি পুরো গাড়ি এরকম সরে গেল, আমি যে সরবো না। তো গাইস আবি 10:46 বাজে রে, আর আবি আমলোগ নন্দ কুমার সে রওনা দে রে, কিউকি হামারে দো ভাই পতা নি কাহা খো গয়ে থে, একদম ধীরে ধীরে আ রে থে পিছে কছুয়া কা তরহ, ইসলিয়ে আবি উন লোগ কো আগে ভেজ দিয়া হ্যায়। লেটস সি। আর সবসে খারাপ চিজ এ হ্যায় কি 11 বাজনে কো হ্যায় আবি তক হামনে আধা রাস্তা আবি কভার আপ নে কিয়া, পতা নি কিতনা বাজে পৌঁছেঙ্গে, আই ডোন্ট থিঙ্ক কি 1 বাজে সে পেহলে পৌঁছ সকতে হ্যায়। और ऊपर से यार अभी सिंगल लेन हाईवे स्टार्ट हो गया है और फोर व्हीलर और ये हैवी व्हीकल्स काफ़ी बुरा ओवरटेक करते हैं, सो ऑलवेज हैव टू बी लिटिल कॉशियस, बस थोड़ा सा पुश तो करना ही पड़ेगा वरना यार पहुंच नहीं पाएंगे आज। तो ये हल्दिया रिवर क्रॉस कर रहे हैं हम गाइस। भाई साहब किस बात की जैम है यहाँ पे, फक मैन। जैम तो भाई साहब फोर व्हीलर वालों के लिए होता है। रुको भाई, क्या बोलती है पब्लिक, इसको ऊपर चढ़ा दें, मजा कर रहा हूँ। क्रॉसिंग क्रॉस करने के बाद थोड़ा रुकना पड़ेगा क्योंकि तो भाई लोगों का कॉल आ रहा है साइड से, और यहाँ पे बिछड़ना अनिवार्य है, पॉसिबल नहीं है क्रॉसिंग में उतना जैम में सब एक साथ रहे, सब अलग अलग ही आएंगे आई गेस। सो लेट्स कॉल देम एंड देखते हैं कौन कहाँ पे है। इधर अपने भाई लोग को आने में थोड़ा टाइम लगेगा साइड से गाइस। One eternity later. गर्मी में इतनी हालत ख़राब हो रही है, देखो गाइस पूरा खोल के रखना पड़ रहा है ये, और मैंने जैकेट भी थोड़ा सा खोल दिया है। इट्स इम्पॉसिबल मैन। अभी मैं वाइजर भी थोड़ा सा खोलने वाला हूँ तो थोड़ा सा ऑडियो फटे तो माफ़ कर देना। टोल तो नहीं कह सकते, गेट समझ लो बस, देख सकते हो टोल बूथ जो है पूरा खाली खाली। प्रति सुनहरी अंबर नीला हर मौसम, तुमसे ना हो पाएगा। काफ़ी खूबसूरत, मज़ा आ गया भाई। हालांकि रास्ते उतने अच्छे नहीं है बट नज़ारा काफ़ी बढ़िया है। दुटो आवाज छिटके गए खूब भल কোন টাইম যদি ওইভাবে চালায় তাহলে আমরা পৌঁছে যাব, নালে আমরা চট এনে বেরিয়ে যা বলবি তাহলে দাঁড়াই এনে হোটেলে চলে যাই। কারণ কোনটাই লাগে এখন কাছেই দেখাচ্ছে, হবে দেখাও তো কোনটাই কত কিলোমিটার দেখাচ্ছে, কোনটা কোনটাই 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 19 কিলোমিটার কি না না ভালো পেছনে আছে ওরা অনেক পেছনে আছে ভাই, আমরা আসলে কইতে পারতাম না जिंदगी देख रहे हो ऐसी होनी चाहिए, हमसे एक नहीं संभाला जा रहा इनको दो दो। तो गाइस थोड़ा सा नारियल पानी ब्रेक लेने रुके थे अपने दो भाई, बहुत पीछे है और उधर कहीं पे हॉल्ट ले लिया है, पता नहीं इतना हॉल्ट लेने का क्या मतलब है। तो हम लोग अभी सोच रहे हैं कि डायरेक्ट हम लोग जाएंगे मंदारमणी रिसॉर्ट, अभी हमारा नेक्स्ट हॉल्ट सीधा वहीं पे होगा। नहीं जाना स्पीड ब्रेकर से, बहुत इरिटेटिंग है भाई, इतना दूर से ट्रैवल करके आओ फिर ये कंटिन्यूस स्पीड ब्रेकर्स, बट 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 बट,
चंचोद। देख रहे हो क्या सब हरकतें करना पड़ रहा है, इन्हीं चीजों के लिए फोर व्हीलर नहीं खरीदता। सो भाई लोग आज का समरी कुछ ऐसा रहा कि हम तीनों मतलब जल्दी जल्दी अपना अलग आ गए और बाकी हमारे साथी लोग पता नहीं कहाँ खो गए या क्या हुआ, वो लोग अभी आ रहे हैं। सो लेट्स गेट इन गाइस, अभी हम लोग जा रहे हैं अपने रूम के तरफ, आप लोगों को भी दिखाते हैं कैसा है। तो भाई लोग हम लोग 10 जन हैं, तो ये देखो ये एक रूम, ये 7 लोगों का, और यहाँ का व्यू मैं आपको दिखा देता हूँ, कुछ ऐसा दिखता है, नॉट बैड। और बाकी ये गाइस अपना जहाँ पे हम लोग चेक इन किया है, मतलब अभी के लिए यहाँ पे हम लोग ने देखो राइडिंग गियर्स वगैरह इधर उधर करके रखा है। सो ये 4 जन का है साइड से, और यहाँ का व्यू देख लो गाइस। तो गाइस यहाँ के नज़ारे कुछ ऐसे, सामने समंदर और ये हमारे एंड दिस आर आवर ब्यूटीज। और ये भाई लोग का फुल बेवड़ा बंदी चालू, फुल पार्टी मोड ऑन। और ये भाई लोग को देखो, आ चढ़ जा चढ़ जा। आवाज फोटोग्राफर बना रखा है, चूतिया लोग और ये यहाँ पे फ्री की लाइट दिए जा रहे हैं, ये हमारे अरे भाई यार चाबी नहीं खुल रहा, गजब खराब व्यवस्था है, गजब बेइज्जती है। सो गाइस फाइनली रूम ओपन हुआ, खिड़की विड़की खोल के रूम खुला है। तकलीफ है कि कोई भी ऐसे अंदर घुस सकता है, और ये भाई ने बिस्तर में सुसु कर गुड मॉर्निंग भाई लोग, ये देखो अपना रिसॉर्ट का लोकेशन, ये कुछ ऐसा व्यू है यहाँ का। बाकी कल रात को मैं ज़्यादा व्लॉगिंग नहीं कर पाया कि थोड़ा ज़्यादा ही हार्ड पार्टी हो गया था भाई लोग, तो समझ ही रहे हो लड़कों का पार्टी बोले तो क्या है। ये देखो ये कुछ उदाहरण। तो भाई लोग अभी चाय पिया जा रहा है और हम लोग का ब्रेकफास्ट हो गया है, और अभी हम लोग कुछ देर बाद जाएंगे बीच के तरफ। तो भाई लोग ये रही अपनी लाइनअप,
लोग की बाइक्स। दिस इज़ द रिसॉर्ट जहाँ पे हम लोग अभी खाना खा रहे थे, और सामने वहीं पे समुद्र, और अभी हम लोग जाएंगे समंदर के सामने, आपको भी दिखाएंगे। बाकी कुछ दिनों से इतना समंदर देख लेके थोड़ा पक चुका हूँ, बट फिर भी यार आए हैं तो एक बात तो बनता ही है। तो भाई लोग, वो रहा हमारा रिसॉर्ट, और ये सामने बीच, ये यहाँ से बंद है, तो हम लोग अभी घुमा के जा रहे हैं, और अभी हम लोग बीच में जाएंगे, ड्रोन उड़ाएंगे, मज़े करेंगे। बाकी ये देखो बच्चों का ATV, और बाकी उस साइड बड़ों का भी है, और कुछ लोग बीच में बाइक चला रहे हैं। तो भाई लोग, अभी ड्रोन उड़ाया जाएगा, ये इसका कैमरा बहुत सही। जाओ सिमरन, जाओ जी लो अपनी ज़िंदगी। तो भाई लोग, ये गया अपना ड्रोन, और इसके शॉट्स जो है मैं आपको अटैच कर दूंगा वीडियो में। তারপর একটু কমপ্লেক্স মুভ, কর্নার, রিভার্স কর্নার, বুঝে গেছিস? আমি স্লো করে দিচ্ছি ড্রোনটাকে, সিনেমোড নেই, ট্রাই কর। আচ্ছা, এটা কিন্তু কোনো কোলিশন কন্ট্রোল নেই, ঠিক আছে? সো ভাই লোক, আবি তোমারা ভাই উড়ায়গা ড্রোন, সো দিস ইজ ফর অলটিটিউড। এখন রেকর্ড হচ্ছে। ইসে জো নিচে আতা হ্যায়, দিস ইজ 360। And for vertical movement, काफी सही भाई। So there you go. बाकी गाइज, अभी थोड़ा प्रेशर आ रहा है, हमारे जो भाई लोग हैं वो फुल रेडी हो गए हैं, पर हम लोग यहाँ पे बीच में ड्रोन उड़ा है, बकचोदी कर रहे हैं, तो वो थोड़ा इशू है। सभी जाएंगे जल्दी से, पैकअप करेंगे, पैकअप तो कर चुके हैं, गियर अप करेंगे और निकलेंगे फटाक से। गाइज फुल तैयारी चल रही है अभी निकलने को। ये हमारे साथ जो इको स्पोर्ट आई थी, इस पर अपने बैगेजेस है, और दिस इज माई डार्क नाइट, और ये मेरा जाली अल्पाइन स्टार। अब इसको पहनेंगे और निकलेंगे। तो भाई लोग, दैट्स ऑल फ्रॉम आवर ट्रिप टू मंदारमनी, और अभी हम लोग घर की तरफ वापस जा रहे हैं। काफ़ी मज़ा आया, काफ़ी नए लोगों से मिले, बट इट वॉज अ नाइस एक्सपीरियंस, और काफ़ी बवाल हुआ। खैर, वीडियो देख के ऐसे थोड़ा थोड़ा आपको पता चल ही गया होगा, बाकी सब कुछ तो नहीं डाल सकते, बट इट वॉज़ अ नाइस एक्सपीरियंस। सो अगर आप लोग को वीडियो पसंद हो तो लाइक कर दो, चैनल पर ना तो सब्सक्राइब, और इंस्टाग्राम हैंडल जो है वो नीचे आ रहा होगा, तो फॉलो कर सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राइड हार्ड, राइड सेफ, सी यू सून इन द नेक्स्ट ब्लॉग, बाय बाय।